अम्ब्रेला गाउन या फिर अम्ब्रेला लहंगा की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को टू फोल्ड में रख लेना है। मेरी ओर से लेफ्ट साइड को छोड़कर बाकी सारी जो साइड हैं वो ओपन हैं। बिल्कुल इक्वली सेट करके हमें इसे रख लेना है टू फोल्ड में। अब हम उस कॉर्नर को उठाएंगे और बिल्कुल इसके ऊपर रख देंगे। फुल लेंथ में से चोली की लेंथ को हमें इसमें से माइनस कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चोली की लेंथ माइनस करने के बाद मुझे 29 इंच चाहिए था, तो उसके आगे भी मैंने ऊपर की तरफ 10 या 11 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से फैब्रिक को सेट करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। यहाँ पर मैंने ऊपर वाले फैब्रिक को थोड़ा पीछे की तरफ रखा है क्योंकि नीचे वाले फैब्रिक में प्लेन कपड़ा है। कमर का नाप 28 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हमें लेना है 7 इंच। इसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे यानी कि इंच टेप को इस तरह तिरछे में रख करके हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ऊपर कॉर्नर से इंच टेप को रखेंगे और नीचे जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक ये 11.5 इंच तक आता है। दूसरी साइड भी हम देखेंगे तो ये 11.5 इंच तक ही आता है। दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। उसके बाद कॉर्नर से इंच टेप को रखना है और सेंटर की तरफ भी 11.5 इंच पर ही निशान ऐसे लगा देना है। निशान लगाने के बाद अगर आप गोलाई में भी इसे नापेंगे तो भी यह 8 इंच पर ही आता है। तो यहाँ पर हमारा निशान लग चुका है। अब हमें चोली की लेंथ इसमें से माइनस कर देनी है। 14 इंच की मैंने चोली रेडी की है तो 14 इंच से ही हमें इंची टेप को इस निशान पर रख देना है। इस निशान से नीचे की तरफ जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उस पर निशान लगा देना है। यहाँ पर मुझे रेडी लेंथ है 44 इंच चाहिए तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। आधा इंच नीचे फोल्ड होगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में रह जाए। इसी तरह हमें दोबारा इंची टेप को उठाना है, उसी निशान पर 14 इंच पर रखना है और नीचे की तरफ हमें 45 इंच पर इसी तरह गोलाई में हमें निशान लगा देना है। पूरी गोलाई में हमें इसी तरह से निशान लगा लिया है। इसी निशान से अब हमें फैब्रिक को कट कर देना है। ऊपर की तरफ से भी हमें बिल्कुल निशान से ही फैब्रिक को कट कर लेना है। इसके साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी यहाँ से हम हटा लेंगे। इसी के साथ इसकी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं जो कि बहुत प्यारा लग रहा है।